सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। पाक अधिकृत कश्मीर का होरान गांव, जहां भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने पैराशूट से छलांग लगाई थी, ये भंबर जिले में आता है। ये गांव पहाड़ों पर ही बसा है और रास्ते भी उबड़ खाबड़ हैं। वहां के हालातों और उस समय की स्थिति को स्थानीय लोगों की मदद से जानने की कोशिश की। इसी गांव से करीब 250 मीटर की दूरी पर पाकिस्तानी फाइटर जेट से लड़ते हुए विंग कमांडर अभिनंदन का विमान क्रैश हुआ था। विमान क्रैश होने के बाद अभिनंदन इसी गांव की एक पहाड़ी पर पैराशूट से उतरे थे। इसी जगह पर सुबह सुबह विमान का मलबा गिरा, वहां हुए धमाके से पूरा गांव दहल गया। वहां आसपास के पेड़ मिनटों में खाक हो गए। करीब 10 दिन बाद भी उस जगह पर आज भी जहाज के मलबे के निशान देखे जा सकते हैं। पहली बार वहां के लोगों से जानने की कोशिश की गई कि आखिर उस समय हुआ क्या था। इसी गांव के रहने वाले कामरान ने आसमान में होने वाली जंग देखी थी। 27 फरवरी की सुबह 9:45 का समय हुआ था। कामरान के मुताबिक कम से कम 6 जहाज एक दूसरे जहाज की घेराबंदी कर रहे थे, जो पहाड़ों के पीछे से आया था। ये विंग कमांडर अभिनंदन का ही जहाज था। कामरान के देखते ही देखते अभिनंदन के विमान पर हमला हो गया। उसके बाद अभिनंदन को पैराशूट से नीचे उतरते हुए भी देखा गया। अभिनंदन पैराशूट से धीरे धीरे नीचे उतर रहे थे। वो इस बात से बेखबर थे कि नीचे की धरती दुश्मन के देश की है। प्रत्यक्षदर्शी कामरान ने बताया, एक शख्स पैराशूट की मदद से धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। हम उसके करीब जाना चाहते थे, लेकिन उसके पास हथियार थे। यहाँ के लोग इस बात को समझ चुके थे कि पैराशूट से उतरने वाला व्यक्ति हिंदुस्तानी है। पाकिस्तानी आर्मी की तरह यहाँ के लोग भी उसके खून के प्यासे हो गए। वो अभिनंदन की तरफ दौड़ने लगे। गांव की भीड़ अभिनंदन को पूरी तरह से कब्जे में लेना चाहती थी, इसलिए वो पहले सवाल के जवाब में झूठ बोले कि ये जगह हिंदुस्तान में ही है। कामरान ने बताया कि वो हमसे पानी मांग रहे थे, मोबाइल भी मांग रहे थे कि मुझे बात करनी है। हमने कहा कि तुम अपने हथियार दूर फेंको, हम आपको पानी भी देंगे और मोबाइल भी। वो बोले कि मेरी कमर टूट चुकी है, तो हमने कहा कि हम आपको अस्पताल भी लेकर जाएंगे। फिर उन्होंने पूछा कि ये इंडिया है या पाकिस्तान, तो हमने कहा कि ये इंडिया है। हालांकि पाकिस्तान की ये चाल अभिनंदन बहुत जल्द ही समझ गए और उसके बाद अभिनंदन ने हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया, तो वो इसका जवाब नहीं दे पाए। यहीं पर उन्हें शक हुआ और सबसे पहले उन्होंने जरूरी 3-4 दस्तावेज निगल कर मुंह में चबा कर नीचे फेंक दिए, जिससे कि वायुसेना से संबंधित गोपनीय जानकारी दुश्मन देश के हाथ न लग सके। इसके बाद भीड़ को समझ में आ गया था कि अभिनंदन समझ चुके हैं कि वो भारत में नहीं है, लेकिन वो उनके पास नहीं जा रहे थे क्योंकि हाथ में पिस्तौल थी। अभिनंदन ने पानी मांगा, लेकिन भीड़ ने मना कर दिया। पिस्तौल के सहारे वो दुश्मन देश के गांव से निकलने की कोशिश करते रहे, लेकिन भीड़ उनका पीछा कर रही थी। नदी के पास आकर जब किसी ने उनकी टांग के नीचे राइफल से गोली चलाई, तब जाकर अभिनंदन ने पिस्तौल को फेंका। पिस्तौल फेंकते ही भीड़ निहत्ते हिंदुस्तानी पर टूट पड़ी। चंद सेकंडों के अंदर ही ऐसे हालात बन गए जैसे भीड़ जान लेकर ही मानेगी। आर्मी यही से अरेस्ट कर उन्हें अपने साथ ले गई। ये खबर पाकिस्तान में आग की तरह फैली। सेना के ऑफिसर्स को ये जानकारी आधी अधूरी मिली, जिसकी वजह से उन्होंने ऐलान किया कि 2 भारतीय पायलट पकड़े गए हैं, जबकि हकीकत में वो एक ही था। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।